अकबर ओवैसी बोले तो बोलेंगे अकबर ओवैसी कम्युनल है, मैं बोला तो केस बुक करना बोलेंगे, लेकिन अकबर ओवैसी भी बोलने से डरता नहीं है। इस दौर के रस्म रिवाजों से, इन तख्तों से, इन ताजों से, जो जुल्म की कोख से जलते हैं, इंसानी खून से पलते हैं, जो नफरत की बुनियादें हैं और खूनी खेत की खादें हैं, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। हम आह भी करते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो खत्ल भी करते हैं तो चर्चा नहीं। वो जिनकी होंठ की जंबिश से, वो जिनकी आंख की लर्जिश से, कानून बदलते रहते हैं और मुजरिम पलते रहते हैं, इन चोरों के सरदारों से, इंसाफ के पहरेदारों से, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। डरा रहे मुझको, बोल रहे आप इतना मत बोलिए, इतना ना बोलूं तो फिर लानत है मेरी जिंदगी। मैं उस सलमान का हरसदार हूं और वो मुसलमान का हरस उस वक्त ही उतर सकता है जब मैं अपने जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक आवाज, एक एक सांस मैं मुसलमानों के लिए कुर्बान ना कर दूं। मेरे हाथ में हक का झंडा है, मेरे सर पे जुल्म का फंदा है, मैं मरने से कब डरता हूँ, मैं मौत की खातिर जिंदा हूँ, मेरे खून का सूरज चमकेगा तो बच्चा बच्चा बोलेगा, मैं बागी हूँ, मैं बागी हूँ, जो चाहे मुझ पे जुल्म करो। अरे अब तो सिलसिला शुरू हुआ है, मंजिल बहुत दूर है। आए हिंदुस्तान, तू याद रख ले, इन मुसलमानों के गुस्से को थमाने वाले का नाम अकबरुद्दीन ओवैसी है और इनका गुस्सा मेरी जबान, मेरे खिताब के जरिए तुझ तक पहुंचता है। अगर मैं नहीं रहूंगा तो तू इस गुस्से के सामने ताब नहीं ला सकेगा और तबाही और बर्बादी तेरा मुस्तकबिल बन जाएंगे। तो देखो मारने की हसरत रखने वालों, देखो मेरी आवाज को दबाने की ख्वाहिश रखने वालों, अरे आज अकबर ओवैसी नहीं तो अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं है। अल्लाह अकबर ओवैसी का मोहताज नहीं, अकबर ओवैसी अल्लाह का मोहताज है। अल्लाह का फजल है, करम है कि अल्लाह ने मुझ गुनेगार को मौका दिया, मुझसे काम ले रहा है आपका। अल्लाह का काम रुकने वाला नहीं।